नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश में मतदान के बाद सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म। भाजपा के मंत्रियों के अपनी जीत के दावे तो हरदा के मुख्यमंत्री का बयान खूब बटोरा सुर्खियां। प्रदेश कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे पर फिर घमासान। हरदा और उनके समर्थक देख रहे सीएम बनने का ख्वाब, बाकियों की निगाहें हाईकमान के फैसले पर टिकी। हरदा ने जताई ईवीएम और बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की आशंका, कहा हार के डर से भाजपा कर सकती है गड़बड़। वोटिंग निपटने के बाद फुर्सत के पल बिता रहे नेता धन सिंह रावत का बयान, जीत पर खिलाएंगे दो दो लड्डू। तो हरदा ने हल्द्वानी में बंद मक्खन बनाकर बटोरी सुर्खियां। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। नरेंद्र नगर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने अपनी जीत का दावा किया है। सुबोध उनियाल का कहना है कि नरेंद्र नगर की जनता का उन्हें लगातार आशीर्वाद मिलता रहा है और इस बार भी जनता ने उन्हें विकास के नाम पर वोट दिया है। निश्चित रूप से सारे मिथक टूटेंगे और एक बार फिर हम लोग इस राज्य में सरकार बनाएंगे और जो पूरे चुनाव में मतदाताओं में उत्साह दिखाई दिया, खासकर नए वोटर में और महिलाओं में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान था, वो इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी पुनः एक बार इस राज्य में सरकार बनाने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान पर भाजपा लगातार उनको घेरने का काम कर रही है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी हरीश रावत के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें हरीश रावत ने तो मुख्यमंत्री बनने की बात कही है। सुबोध उनियाल का कहना है कि वो 2-3 साल पहले ही हरीश रावत को घर बैठने की सलाह दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि हरदा सीएम तो दूर की बात है, पहले लालकुआ से ही चुनाव जीत ले। लालकुआ पार करना मुश्किल है और दूसरी बात जो उन्होंने घर बैठने की बात की, मैं तो उनको पिछले 3-4 साल से लगातार सलाह दे रहा हूँ कि आपको घर बैठ जाना चाहिए। अगर अब वो एक बार पहले भी उन्होंने कहा था मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ, लेकिन रावत जी सुबह कुछ बोलते हैं शाम को कुछ बोलते हैं। इन व्यक्ति एक झूठ का एक बहुत बड़ा भंडार रावत जी के चरित्र में है और उनका चरित्र बिल्ली वाला चरित्र है। जिस तरह बिल्ली की सोच होती है कि घर में कोई रहे न रहे सब भाग जाए पर इस घर पर मैं रहूँ, उस चरित्र की राजनीति रावत जी ने हमेशा की। अकेले चलो का जो उनका एक सिद्धांत है आज वही उनके आड़े आ रहा है। और अगर वो अभी भी सोच रहे हैं कि उन्हें घर बैठ जाना चाहिए तो मैं सोचता हूँ ईश्वर ने कहीं ना कहीं लगता है उनको सद्बुद्धि दे दी है कि वो घर बैठने की बात सोचने लगे। वहीं हरीश रावत के मुख्यमंत्री बनने के बयान पर सियासत जारी है, लेकिन अब कांग्रेस ने भाजपा को निशाने पर लिया है। कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा को अपने अध्यक्ष पर लगे आरोपों पर ध्यान देने की जरूरत है, उनको इस विषय में बोलने का नैतिक अधिकार नहीं बनता है। में भूलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जिनके अध्यक्ष पर उनके वर्तमान विधायक सवाल खड़े कर रहे हों, उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर रहे हों, उन पर अपने उम्मीदवारों को हराने का आरोप लगा रहे हों, तो कांग्रेस की राजनीति में कहाँ इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इसमें उनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वो पहले अपना घर संभालें तब हमारी बात करें। हरीश रावत जी ने जो बात कही है वो कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता हैं, बहुत सोच समझ के अपनी बात कही है और उनको कहने का अपनी बात कहने का अधिकार है। पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी बात कहने का अधिकार भी है, अपनी बात मनवाने का भी अधिकार है। उनने जो बात कही है बिल्कुल सही बात कही। 2022 की बिसात के बीच आज हम आपको कुछ ऐसी सीटों के सियासी समीकरणों की तस्वीर दिखाएंगे जहां वोटर्स तो बढ़े हैं लेकिन वोटिंग परसेंटेज लगातार घटता रहा है, और वो भी जब तब इन सीटों पर सालों से एक ही चेहरा कब्जा जमाए हुए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के 2022 की बिसात के लिए सभी को नतीजों के लिए 10 मार्च के निर्णायक दिन का इंतजार है। तो आज हम आपको 2022 की बिसात में प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों में से कुछ ऐसी सीटों के सियासी समीकरणों से वाकिफ कराएंगे जहां चुनाव आयोग की भरसक कोशिशों के बावजूद वोटर्स की तादाद में तो इजाफा हुआ है, लेकिन साल 2012 के बाद से वोटिंग परसेंटेज में चली आ रही गिरावट 2022 तक में भी नहीं थमी है। विधानसभा की 70 सीटों में से 23 सीटें ऐसी हैं जहां 2012, 2017 और 2022 की बिसात में वोटिंग प्रतिशत इस बात का गवाह है।
हैरानी इस बात को लेकर है कि इन सीटों पर सालों से जमे एक ही चेहरे पर काबिज होने पर भी मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ पाया। नरेंद्र नगर सीट की बात करें तो 2012 और 2017 के चुनावों में दो बार इस सीट से सुबोध उनियाल विधायक चुने गए। चकराता विधानसभा सीट से 2002 और 2017 तक चार बार इस सीट पर प्रीतम सिंह विधायक चुने गए। देहरादून कैंट विधानसभा सीट की बात करें तो 2002 और 2007 में देहरादून कैंट नाम से सीट पर स्वर्गीय हरबंस कपूर काबिज रहे। ऋषिकेश सीट की बात की जाए तो 2007 से लगातार इस सीट पर प्रेमचंद अग्रवाल विधायक के तौर पर काबिज हैं। वहीं हरिद्वार शहर सीट की बात करें तो 2002 से लगातार इस पर मदन कौशिक विधायक चुने जा रहे हैं। जागेश्वर विधानसभा सीट के सियासी समीकरण देखें तो इस सीट पर 2002 से 2017 तक लगातार गोविंद सिंह कुजवाल का कब्जा रहा है। वहीं कालाडूंगी सीट पर 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में ये सीट बंशीधर भगत के नाम रही। रुद्रपुर विधानसभा सीट के समीकरण देखे जाए तो पिछले दो चुनावों में सीट पर राजकुमार टुकराल विधायक चुने गए। वहीं किच्छा सीट से पिछले दो चुनावों से यहां राजेश शुक्ला विधायक चुनते आ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनावों में कम मतदान वाली कई सीटों पर एक ही चेहरा अपना कब्जा जमाते आ रहे हैं, मगर 2022 की बिसात में ये रिकॉर्ड कायम रह पाता है या नहीं ये देखना होगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में 2022 के बिसात के चुनावी परिणाम आए नहीं कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय दलों ने अपनी अपनी जीत के दावे कर दिए हैं। हालांकि जनता का फैसला क्या है इसके परिणाम 10 मार्च को ही जग जाहिर होने हैं, लेकिन सूबे की सियासत में अपनी अपनी जीत के दावों को लेकर क्या कुछ हलचल मची हुई है, देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजनीति में 2022 की बिसात के लिए भले ही मतदान निपट गया हो, लेकिन राष्ट्रीय दल बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों के नेताओं में जीत के दावों को लेकर एक दूसरे से आगे निकलकर पछाड़ने की राजनीति चल रही है। हालांकि जनता का फैसला सबके सामने 10 मार्च को जग जाहिर होगा, लेकिन उससे पहले कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत श्रीनगर से बीजेपी प्रत्याशी हैं और उन्होंने अपनी जीत के साथ पार्टी की जीत का दावा करते हुए हरदा पर भी तंज कसा और कहा कि सरकार बीजेपी की बनने जा रही है तो सभी लोग घर ही बैठेंगे। मैंने आपको पहले कह दिया, मैं आपको 10 तारीख को दो लड्डू खिलाऊंगा, एक अपनी जीत का खिलाऊंगा और एक सरकार बनने का खिलाऊंगा। तो लाल कुआं की जो जनता है वो तय कर ही रही है कि कौन किसको बिठाना है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि वो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन जब सरकार बीजेपी की बन रही है तो सबको घर ही बैठना पड़ेगा। इस बीच सोशल मीडिया पर हरदा का मुख्यमंत्री बनने को लेकर एक बयान खूब वायरल हो रहा है। असल में इस बयान में हरीश रावत ये कहते दिख रहे हैं कि या तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर घर बैठेंगे। चलिए आपको सुनाते हैं हरदा का ये बयान। मैं अब मेरी उम्र ऐसी नहीं रह गई है कि मैं कह करके कोई वो करूं, लेकिन ये बहुत साफ सी बात है कि हरीश रावत या तो मुख्यमंत्री हो सकता है या फिर घर बैठ सकता है, दोनों के अलावा कोई तीसरा विकल्प मेरे पास रह नहीं गया। भले ही जीत के दावे सबके अलग अलग हों, लेकिन सही फैसला तो उत्तराखंड की जनता चुनकर ईवीएम में कैद कर चुकी है। बस 10 मार्च का इंतजार बाकी है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड में ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है कि उत्तराखंड में इस तरह की घटना को पहले अंजाम नहीं दिया गया, ऐसी घटनाएं पहले भी हुई है, ईवीएम को बदला भी जा सकता है, इसलिए ईवीएम पर कांग्रेस अपनी पहली नजर बनाए रखी हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी सभी जिला अध्यक्ष को स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं हरीश रावत ने पोस्टल बैलेट पर भी सवाल उठाया है कि पोस्टल बैलेट को भी फाड़ने की आशंका उन्होंने जताई है। जो खबरें हैं कि अलीगढ़ से ऐसे ताले बनवाए जा रहे हैं जो बिल्कुल स्ट्रांग रूम्स में लगाए गए हैं, आइडेंटिकल ताले बनाए जा रहे हैं, कई बातें कही जा रही हैं। यूपी में और उत्तराखंड में जिस तरीके के स्टेक्स हैं भाजपा के और जो स्थिति है चुनाव में वो निश्चित पराजय में है, तो ऐसी हालत में लोग कहते हैं, वो खुद ही कहते हैं जब वो हैं तो सब कुछ मुमकिन है, तो ये भी तो मुमकिन है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो जाए और ये भी मुमकिन है कि ईवीएम बदल दी जाए।
उत्तराखंड कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम पर एक बार फिर से घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सबकी अलग अलग राय देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ हरदा अपने सीएम बनने के ख्वाब देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के आला नेता हाईकमान के फैसले पर निगाहें टिकाए हुए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों पर मतदान के बाद सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस शुरू से ही सत्ता परिवर्तन की बात कह रही है। इतना ही नहीं, हरीश रावत का दावा है कि कांग्रेस 48 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। लेकिन इस जीत के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसकी स्थिति अभी तक साफ नहीं हो पाई। हरदा जहां एक तरफ अपने सीएम बनने के सपने सजोए बैठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हरीश रावत के समर्थक भी यही चाहते हैं कि उत्तराखंड कांग्रेस का मुख्यमंत्री सिर्फ हरदा ही बने। धारचूला से पूर्व विधायक हरीश धामी ने तो दो टूक शब्दों में कह दिया है कि उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को समर्थन हरीश रावत के नाम पर दिया है। सभी लोग चुनाव लड़े, सबने हरीश रावत जी के नाम पर लड़ा और पूरे उत्तराखंड ने, देवभूमि की जनता ने जो कांग्रेस को बहुमत की ओर जो भेज रखा है, तो हरीश रावत जी के नाम पर दे रखा है। और उन्होंने हरीश रावत जी के जो 3 साल का कार्यकाल था, उस कार्यकाल को भी देखा है कि भाई किस तरह उन्होंने काम किया, किस तरह जो है समाज के आखिरी व्यक्ति से लेके सबको उन्होंने जो है एक साथ लेके चलने का काम किया। तो निश्चित तौर पर युवाओं ने, बेरोजगार युवाओं ने, सब ने एक नज़र हरीश रावत जी पर लगाया और निश्चित तौर पर हरीश रावत जी को सीएम बनाना चाहिए। हालांकि कांग्रेस के दूसरे नेताओं का मानना है कि सीएम चेहरे का फैसला हाईकमान को ही लेना है, लिहाजा सबकी नजर अब हाईकमान के फैसले पर टिकी हुई है। स्पष्ट है कि कांग्रेस की एक मजबूत वापसी हो रही है और एक मजबूत सरकार बनने जा रही है और केंद्रीय नेतृत्व तो है, पार्टी हाईकमान है, ये फैसला हाईकमान पर छोड़ना चाहिए। बहरहाल मतदान के नतीजे 10 मार्च को आने हैं। जनादेश किसको मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस के भीतर सीएम पद के लिए घमासान शुरू हो चुका है। अब देखना यही होगा कि कांग्रेस सीएम पद की ऐसी कलह को कैसे शांत करती है। टाइम टीवी के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में चुनाव निपटने के बाद नेता अब थकान मिटाने के साथ लोगों के बीच जाकर उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही नजारा हल्द्वानी में देखने को मिला, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लोगों से बाजार में जाकर उनसे मुलाकात कर उनका हालचाल जान रहे हैं। इस दौरान हरदा ने एक चाय की दुकान पर अपने हाथों से बंद मक्खन तैयार कर लोगों को खिलाया। इस मौके पर हरीश रावत काफी उत्साहित भी नजर आए। आपको बता दें कि हरदा कभी जलेबी, कभी टिक्की, तो कभी कुछ ना कुछ तरीके से सोशल मीडिया पर सुर्खियों बटोरते हैं, नजर आते हैं। हम लोगों से कह रहे हैं, हम तुम्हारे बीच के लोग हैं, तुम ही हमको बनाने वाले हो और आपका आशीर्वाद मिला है ऐसा हमें लग रहा है, हम उसके लिए कृतज्ञ हैं। तो मैंने कहा आज टाइम है तो जरा सा कांडपाल जी के बंद मक्खन चाय का मैं भी विज्ञापन कराऊं। गदरपुर के पिपलिया में सस्ते गल्ले की दुकान पर चावल में मिलावट की खबर सामने आई है। लाभार्थियों का कहना है कि चावल में प्लास्टिक की मिलावट की गई है, जिसकी शिकायत मिलने पर ग्राम प्रधान ने जांच कराने की बात कही है। हालांकि वरिष्ठ विपणन अधिकारी दिनेश बिष्ट का कहना है कि चावल में कोई मिलावट नहीं है, ये चावल पोषण से भरपूर है। मिलावट है ये, पता नहीं क्या है, पानी में डालो तो गल जा रहा है, और तो कुछ नहीं, यही है, सफाई है चावल में, लेकिन यही है। जो है भारत सरकार की स्कीम है, पौष्टिक आहार चावल वितरण हो रहा है, मिला के दिया जा रहा है इसमें, और अगर कोई किसी को संदेह है या कोई परेशानी है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है, उसके नैनीताल के सभी सफाई कर्मचारियों ने अपना कार्य बहिष्कार कर नगर पालिका का घेराव किया। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वेतन पेंशन एरियर का भुगतान न होने पर हंगामा किया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक भुगतान नहीं होता तब तक सफाई अभियान शुरू नहीं किया जाएगा। प्रदेश में मतदान के बाद अब निगाहें 10 मार्च पर टिकी है। तस्वीर साफ होने में भले ही वक्त लगे, लेकिन मतदान के आंकड़े काफी कुछ बयां कर रहे हैं। और ऐसे ही एक आंकड़ा देहरादून जनपद की धर्मपुर विधानसभा सीट का है। देखिए खास रिपोर्ट। देहरादून जनपद में 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों में अगर हम धर्मपुर विधानसभा सीट की बात करें तो ये सीट काफी चर्चित है। यहाँ मतदाताओं का मिजाज परिवर्तनशील भरा है। धर्मपुर की जनता न सिर्फ विधायक बदलती है बल्कि सरकार में भी फेरबदल का दम रखती है।
2022 में हुए मतदान कुछ बदले समीकरण का इशारा जरूर कर रहे हैं। धर्मपुर विधानसभा में 2022 में कुल मतदाताओं की संख्या 206,737 है, जिसमें महिला मतदाता 56,359 है, वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या 60,704 है। 14 फरवरी को हुए मतदान में 118,572 मतदाताओं ने वोटिंग की है। ये मतदान का प्रतिशत 57.35 रहा। इन आंकड़ों में धर्मपुर विधानसभा के मुस्लिम बहुल क्षेत्र भी शामिल है, जहां अन्य इलाकों की अपेक्षा ज्यादा मतदान हुआ है। बूथवार मतदान के आंकड़ों में पहाड़ी बहुल्य इलाके में मतदान का प्रतिशत कम रहा। बात अगर धर्मपुर विधानसभा सीट की करें तो धर्मपुर के मिश्रित इलाकों में यहां पर मतदान मिला जुला रहा। मुस्लिम बहुल्य इलाकों में शामिल मेहूवाला भारूवाला में मतदान 55 से 65% तक हुआ। बाजार क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत 55 से 70% तक आंका गया है। पिथुवाला की बात करें तो यहां मतदान का आंकड़ा 79.73% रहा, जो कि पहाड़ी बहुल्य वाले इलाकों के मुकाबले काफी ज्यादा है। मुस्लिम बहुल्य इलाकों के आंकड़ों को देख मतदान का गुणा भाग कर रहे राजनीतिक दलों के खेमों में कहीं चिंता होगी तो कहीं सुकून, लेकिन आंकड़ों पर कुछ भी तय नहीं किया जा सकता है। इस लिहाज से तस्वीर 10 मार्च को ही साफ होगी। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। किसी भी देश या प्रदेश के विकास की तस्वीर वहां की सड़कों से झलकती है, लेकिन राजधानी देहरादून की गड्ढा युक्त सड़कें राजधानी की साख पर बट्टा लगाने का काम कर रही है। स्मार्ट सिटी के लाख दावों की पोल यहां की सड़कें खोल रही है, जिनसे रोजाना हजारों लोगों का आना जाना तो होता है, लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान ही नहीं जाता। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में भले ही सड़कों का जाल बिछा दिया गया हो, लेकिन भीतर की सुंदरता खोखली नजर आती है, और यही हाल राजधानी देहरादून का है। ISBT हो या दून रेलवे स्टेशन हो, यहाँ वाहनों से उतरते ही लोगों का सामना सीधे गड्ढों से हो रहा है। यहाँ से शहर और पर्यटन स्थलों तक जाने वाली सड़कों की हालत खस्ता बनी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि इन सड़कों से मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों का गुजरना भी होता है, लेकिन किसी का भी ध्यान इन गड्ढों की ओर जाता ही नहीं। शहर भर में सड़कों की हालत ऐसी है कि कहीं से उखड़ी हुई है तो कहीं पानी लीकेज हो रहा है। ये तस्वीर हम आपको बलबीर रोड की दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि पानी से भरे गड्ढों की वजह से आवाजाही के दौरान लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर दुपहिया और ठेली रेहड़ी वालों को। क्या है ये, बार बार लीक होता है, ये फिर भर जाता है, गाड़ी वाले आते हैं दूसरे पे छींटे मार के जाते हैं। सबसे दिक्कत है, आप देख लीजिए क्या हाल है इसका। कभी कभी तो सड़क पे पूरा पानी भर जाता है यहाँ तक। ये तो बार बार रिपेयर करके जा रहे हैं, फिर वही हाल है। नहीं, मजबूत नहीं है इसमें, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनको कि बार बार ये यहाँ से लीकेज करने लग जाता है। ये अगली तस्वीर देहरादून के सर्वे चौक की है। यहाँ पर सड़क बुरी तरह से खोदी गई है। सर्वे चौक से लेकर क्रॉसिंग तक हालत दयनीय है। खराब सड़क की वजह से लोगों को जाम का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन सिर्फ स्मार्ट सिटी के कार्यों का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़कर बैठ जाता है। मिट्टी धूल इतनी हो रही है ना, मिट्टी धूल खा खा के ना परेशान हो गए, सारा माल हमारा खराब होता जा रहा। ये 2 महीने हो गए भाई पूरे, पानी डाल डाल के परेशान हो गए, सारा माल पे जस्ट लगी जा रही। देखो अरे भाई, सबके बोलते कौन सुनता, कोई सुनने वाला नहीं है। वोट लेने के नाम तो आ जाएंगे, बातें पूछते भी नहीं है कोई। कई जगहों पर तो हालात ऐसे हैं कि पूरी सड़क में एक गड्ढा ही मुसीबत का सबब बना हुआ है। ये तस्वीर सुभाष रोड की है, जहां पर सड़क में इस गड्ढे को भरने का कई बार काम किया गया, लेकिन चलता फिरता काम ज्यादा समय तक नहीं टिकता है। दुर्घटना होती है, जैसे आजकल के लड़के हैं थोड़ा अनबैलेंस हो जाते हैं, खड्डे में गिर जाते हैं, कई बार हो रहते हैं। यहाँ पास में एक एक्सीडेंट हुआ था तो लड़के मरते मरते बच गए। तो देखिए आपने राजधानी देहरादून की सड़कों की हालत। जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा कि किसी भी देश व प्रदेश के विकास की तस्वीर वहाँ की सड़कों से देखी जाती है, लेकिन राजधानी देहरादून के विकास की तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है।
जिसका खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि गड्ढा युक्त सड़कों से आखिर जनता को कब तक निजात मिल पाता है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हितेश त्यागी की रिपोर्ट। देहरादून में पोलिंग पार्टियां रवाना होने के बाद अब आंकड़ों की तस्वीर साफ हो चुकी है। 2022 की बिसात में अकेले देहरादून जिले की अगर बात की जाए तो यहां साल 2017 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले आंकड़ों में हल्की गिरावट देखने को मिली है, तो कई सीटों पर काफी कुछ बदले समीकरण दिखाई दे रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में 14 फरवरी को हुए मतदान के दो दिन बाद अब जिलेवार वोटिंग फीसदी को लेकर तस्वीर साफ होने लगी है। पोलिंग पार्टियों की रवानगी के साथ रिटर्निंग अफसरों ने आंकड़े जारी कर दिए हैं। सोमवार शाम 7 बजे तक जहां देहरादून जिले में मतदान का ग्राफ 62.24% बताया गया, तो वहीं आंकड़े जारी होने के बाद इसमें हल्की बढ़त देखने को मिली है। मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देहरादून जिले की 10 विधानसभा सीटों पर वोटिंग का ग्राफ 63.19% होने के साथ हल्की बढ़त देखी गई। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में अगर इस आंकड़े की तुलना की जाए तो मतदान प्रतिशत में 0.34% की गिरावट देखी गई है। जिले की 10 विधानसभा सीटों पर हुई वोटिंग के ग्राफ में भले ही मामूली अंतर पाया गया हो, लेकिन कुछ सीटों पर बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। विकास नगर सीट पर मतदान में बड़ा उछाल देखने को मिला, यहाँ वोटिंग परसेंटेज का ग्राफ करीब 5% बढ़ा है। वहीं चकराता सीट पर मतदान में करीब 4% की गिरावट आई है। पिछले विधानसभा चुनाव में सहसपुर सीट पर सर्वाधिक वोटिंग रिकॉर्ड किया गया था, वहीं इस बार यहां वोटिंग में करीब 1% की गिरावट पाई गई है। कुछ ऐसी ही तस्वीर मसूरी विधानसभा सीट पर भी देखने को मिली। एक नजर डालते हैं देहरादून जिले की 10 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान प्रतिशत पर। चकराता सीट पर 2022 की बिसात में 67.65% मतदान हुआ, तो वहीं साल 2017 के विधानसभा चुनाव में 71.99% यहां वोटिंग हुई। विकास नगर विधानसभा सीट की बात करें तो 2022 में 75.18% वोटिंग हुई, तो साल 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर 70.56 मतदान प्रतिशत रहा। वहीं सहसपुर विधानसभा सीट पर 2022 में 72.53% वोटिंग हुई, तो साल 2017 के विधानसभा चुनाव में ये आंकड़ा 73.15% रहा। धर्मपुर विधानसभा सीट पर इस साल के चुनाव में 56.63% मतदान हुआ, तो साल 2017 के चुनाव में ये आंकड़ा 57.28% रहा। रायपुर विधानसभा सीट में 2022 की बिसात में इस बार यहां हल्की बढ़ोतरी के साथ 60.74% मतदान हुआ, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में 59.51% वोट डाले गए। राजपुर रोड सीट पर इस साल 57.10% वोटिंग हुई, तो साल 2017 के विधानसभा चुनाव में ये आंकड़ा 57.85% रहा। देहरादून कैंट विधानसभा सीट पर इस साल 56.37%, तो साल 2017 के विधानसभा चुनाव में 56.97% वोट यहां पड़े। मसूरी सीट के आंकड़े देखें तो 2022 की बिसात में 59.57% मतदान हुआ, तो साल 2017 के विधानसभा चुनाव में ये आंकड़ा 58.53% रहा। डोईवाला विधानसभा में इस साल 67.49% मतदान रहा, तो 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर 67.93% वोट डाले गए। और ऋषिकेश विधानसभा सीट पर इस साल 62.21%, तो साल 2017 के विधानसभा चुनाव में 64.83% मतदान हुआ। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार 2022 की बिसात में मतदान प्रतिशत में उतार चढ़ाव देखने को जरूर मिला है, लेकिन देहरादून की 10 विधानसभा सीटों पर हुए ये मतदान प्रतिशत कितना असर डालेगा, इसकी तस्वीर साफ होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में वोटिंग की प्रक्रिया सकुशल निपटने के बाद अब प्रत्याशी सियासी गुणा भाग में लगे हुए हैं। बात देहरादून जिले की करें तो 2022 के बिसात में 3 वीआईपी सीटों पर राजनीतिक दलों समेत उम्मीदवारों का गणित गड़बड़ा सकता है। आखिर कौन सी वो सीट है, दिखाते हैं हम आपको इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में 2022 की बिसात के लिए राज्य की जनता ने बढ़ चढ़ कर मतदान किया, जिसके कारण प्रदेश में 65.1% मतदान हुआ। प्रदेश में वोटिंग खत्म होने के बाद अब राजनीतिक दल समेत प्रत्याशी सियासी गुणा भाग में लग गए हैं। देहरादून जिले की बात करें तो यहां 3 वीआईपी सीटों पर इस वोटिंग प्रतिशत के बाद से राजनीतिक दलों समेत प्रत्याशियों का गणित गड़बड़ा सकता है। साल 2017 के हुए विधानसभा चुनाव के मुकाबले
मसूरी सीट पर इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, जबकि बाकी दो सीटें ऋषिकेश और चकराता में कम मतदान हुआ। देहरादून जिले की 3 वीआईपी सीट ऋषिकेश, मसूरी और चकराता में दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। जहां कांग्रेस ऋषिकेश और मसूरी सीट अपने पाले में लेना चाह रही है, तो भाजपा दोनों सीटें बचाने के साथ कांग्रेस के गढ़ चकराता सीट की जीत का स्वाद चखना चाह रही है। हालांकि ऋषिकेश सीट पर भाजपा ने एक बार फिर प्रेमचंद अग्रवाल जबकि मसूरी से गणेश जोशी को मैदान में उतारा है। दोनों ही वर्तमान सरकार में ऊंचे पदों पर आसीन हैं, जबकि चकराता विधानसभा सीट पर लगातार कांग्रेस से प्रीतम सिंह इस पर कब्जा जमाते आ रहे हैं, तो पांचवी बार भी पार्टी ने प्रीतम सिंह पर ही भरोसा जताया। चकराता से प्रत्याशी होने के साथ प्रीतम सिंह मौजूदा वक्त में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है, तो इस सीट से भाजपा ने गायक जुबिन नौटियाल के पिता राम शरण नौटियाल को मैदान में उतारा। जुबिन अपने पिता के लिए प्रचार करते भी दिखाई दिए गए थे, इसीलिए इन सीटों पर परिणाम को लेकर सभी की निगाहें टिकी हैं। भले ही अब तक के विधानसभा चुनाव में चकराता विधानसभा सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, लेकिन इस बार इस सीट पर करीब 5.5% के अंतर ने उम्मीदवारों और पार्टियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। हालांकि 10 मार्च को आने वाले परिणाम ही बताएंगे कि मत प्रतिशत घटने और बढ़ने से किसे फायदा और किसे नुकसान हुआ। लेकिन इस बीच 10 मार्च से पहले तक के दिनों के अंतर के बीच अलग अलग निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। हालांकि जनता ईवीएम में दिग्गजों की किस्मत का फैसला कर चुकी है, बस तस्वीर साफ होना बाकी है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। शांतिपूर्ण वोटिंग निपटने के बाद दिनेशपुर इलाके में थानाध्यक्ष विनोद कुमार जोशी ने सभी जनप्रतिनिधियों का चुनाव में सहयोग करने के लिए आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने सभी से संयम बरतने के लिए आग्रह किया और नियमों का उल्लंघन पर एक्शन लेने की भी बात कही है। जो हमारे विधानसभा चुनाव सकुशल पीसफुल माहौल में सम्पन्न हुआ था, वो सभी आप लोग का सहयोग और पुलिस प्रशासन व प्रशासन को भरपूर मात्रा में मिला था। इसके अलावा मेरे द्वारा सभी से अपील की गई है कि जो भी संदिग्ध चीज़ें हैं या जो भी आप पुलिस समाज सुधार में पुलिस की हेल्प कर सकते हैं, उन चीज़ों पर विशेष फोकस करें और हम आप साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला करके अपने दिनेशपुर को भयमुक्त नशा मुक्त एक अच्छा वातावरण दें, इस संबंध में ये मीटिंग आयोजित। वही लोहाघाट में रोडवेज कर्मचारियों ने 2 महीने से वेतन न मिलने पर अपनी नाराजगी जाहिर कर 2 घंटे तक सांकेतिक कार्य बहिष्कार किया है। कर्मचारियों का कहना है कि दिसंबर और जनवरी का वेतन न मिलने पर उन्हें घर चलाना मुश्किल हो चला है। वेतन के नाम पर सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। इसके साथ ही कर्मचारियों का कहना है कि अगर जल्द से जल्द वेतन भुगतान नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। हम सारे कर्मचारियों को रोडवेज के उत्तराखंड जितने प्रबंधक में कर्मचारी हैं, 2 माह से वेतन नहीं मिला है। हमारे सारे कर्मचारी भुखमरी के कार में हैं। मैं निगम प्रबंधक से कहना चाहता हूं कि हमें तत्काल प्रभाव से वेतन दिया जाए, अन्यथा हमारे कर्मचारी भविष्य में उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। अब तक ले बने रहे हमारे साथ, नमस्कार। प्रदेश में मतदान के बाद सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म, भाजपा के मंत्रियों के अपनी जीत के दावे, तो हरदा के मुख्यमंत्री का बयान खूब बटोर रहा सुर्खियां। प्रदेश कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे पर फिर घमासान, हरदा और उनके समर्थक देख रहे सीएम बनने का ख्वाब, बाकियों की निगाहें हाईकमान के फैसले पर टिकी। हरदा ने जताई ईवीएम और बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की आशंका, कहा हार के डर से भाजपा कर सकती है गड़बड़। वोटिंग निपटने के बाद फुर्सत के पल बिता रहे नेता धन सिंह रावत का बयान, जीत पर खिलाएंगे 2-2 लड्डू, तो हरदा ने हल्द्वानी में बंद मक्खन बनाकर बटोरी सुर्खियां।